ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज अलाउड आवर एप्लीकेशन वेयर वी आर डिमांडेड फॉर सर्वे बाय एडवोकेट कमिश्नर एंड द ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ शाहिदगा मस्जिद वेयर दे हैव सेड दैट 711 एप्लीकेशन शुड बी डिसाइडेड फर्स्ट एंड एडवोकेट कमीशन शुड नॉट बी डिसाइडेड दैट आर्ग्यूमेंट हैज बीन रिजेक्टेड द कोर्ट एंड हैज इन प्रिंसिपल एग्रीड विद आवर डिमांड दैट एडवोकेट कमिश्नर मस्ट बी इशूड हु विल बी द एडवोकेट कमिश्नर वेदर विल बी अ थ्री मेंबर पैनल वॉट विल बी द टाइमिंग ऑफ एडवोकेट कमिश्नर वॉट विल बी द मोडालिटीज ऑल दिस थिंग्स विल बी डिसाइडेड ऑन 18 दिसंबर आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो केवल भारत की धार्मिक और सामाजिक विविधता को दर्शाता है बल्कि कानूनी और ऐतिहासिक पहलुओं को भी सामने लाता है। क्या आप जानते हैं कि मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद भारतीय इतिहास और धर्म के बीच की गहरी जड़ों को उजागर करता है? क्या इस विवाद का समाधान निकल सकता है जो सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य हो? आइए इस विवाद के पीछे के तथ्यों और इसके संभावित परिणामों पर एक नजर डालते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एड न्यूज और मैं हूँ आपके साथ तनु शर्मा। इस विवाद की शुरुआत 1978 में हुई थी जब दोनों पक्षों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन वर्ष 2020 में एक नई याचिका दायर की गई जो इस समझौते को चुनौती देती है। इस याचिका में मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। इस मामले में अदालत ने 20 मार्च को अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है। इस विवाद में मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह मामला समय सीमा के कानून द्वारा प्रतिबंधित है क्योंकि समझौते को चुनौती देने की समय सीमा 3 वर्ष है, लेकिन याचिका 2020 में दायर की गई है। इसके अलावा अदालत ने मुस्लिम पक्ष से कहा कि वे 20 मार्च तक उस आवेदन पर आपत्तियां दर्ज करें जिसमें हिंदू भक्तों को मथुरा के शाही ईदगाह में स्थित कृष्ण कूप में पूजा करने से रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष को निर्देश देने की मांग की गई है। इस विवाद में यह सवाल उठता है कि क्या इस तरह के मामलों में वक्फ अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे और क्या वक्फ ट्रिब्यूनल के पास इस मामले को सुनने का अधिकार होगा, क्योंकि इस तरह के मामले में न्यायिक प्रक्रिया और धार्मिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाना एक जटिल कार्य है। इस तरह के विवाद हमें सोचने को मजबूर करते हैं कि क्या सच में भारतीय समाज में धार्मिक सहिष्णुता और समझौते की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस तरह के मामले में न्यायिक निर्णय के साथ साथ सामाजिक समझौते भी महत्वपूर्ण होते हैं। इस विवाद के आगे के प्रभावों की बात करें तो यह स्पष्ट है कि इसका नतीजा न केवल मथुरा बल्कि पूरे भारत के धार्मिक और सामाजिक ताने बाने पर असर डालेगा। इसलिए इस मामले का समाधान खोजते समय सभी पक्षों की भावनाओं और विश्वासों का सम्मान करना और एक सामंजस्यपूर्ण रास्ता खोजना आवश्यक है। इस विवाद के संदर्भ में अन्य घटनाओं को हम देखते हुए हम पाते हैं कि भारतीय इतिहास में ऐसे कई मामले रहे हैं जहां धार्मिक स्थलों के अधिकारों को लेकर विवाद हुए हैं। इन मामलों में न्यायिक निर्णयों के अक्सर एक नई दिशा तय की है और समाज में व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। अंत में यह कहा जा सकता है कि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद भारतीय समाज के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। इस मामले का समाधान न केवल न्यायिक निर्णयों पर निर्भर करेगा बल्कि यह भी दिखाएगा कि कैसे भारतीय समाज अपने विविधतापूर्ण धार्मिक और सामाजिक ताने बाने को संजोकर रख सकता है। अगली वीडियो में हम इसी तरह के अन्य धार्मिक और ऐतिहासिक विवादों पर चर्चा करेंगे और उन्हें समाधान की संभावनाओं को तलाशेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आप देखते रहिए एड न्यूज़। नमस्कार।